बीएसपी नेता की दबंगई, परिवार पीड़ित पहुंचा एसपी के दरबार में। खबर इस समय मऊ से आ रही है। आपको बता दूं दोहरी घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत में बीएसपी के जो नेता हैं और उन पर ये महिला आरोप लगा रही हैं और ये एसपी के पास पहुंची हैं। सुनकर है और दोहरी घाट में रहने वाली हूँ। क्या समस्या है, आप एसपी के वहाँ आई हुई हैं? सर मेरा समस्या ये है कि मुझे घर में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और तीन लोग की सुनकर जो बीएसपी के नेता हैं वो हमेशा हम लोग को मारने को जान मार के बच्चों को हमेशा धमकी देते हैं। और बबलू सोनकर है, हमको मारा पीटा है घर में आकर के। हम गए थे 13 तारीख को तरकुला माता का दर्शन करने के लिए सुबह 8 बजे और फिर 8 बजे रात को हम वहाँ से आए। हम आकर के नहा वहा करके बैठे, तब तक आया बाहर से आकर के गाली देने लगा। मैं पूछी कि मुझे क्यों गाली दे रहे हो, मुझे तुरंत मारना शुरू कर दिया सर, मेरा कपड़ा पड़ा सब फाड़ दिया सर, मेरे बच्चों को भी मारने लगा, मेरे आदमी को भी मारने लगा सर। अब थाना में हम गए तो हमारी कोई सर कहें कि आप सुबह 10 बजे आना, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। ये करता है सर, भाजपा के नेता है, हमेशा दबंगई करते हैं, हर दूसरे के मामले में हमेशा ये टांग अड़ाते रहते हैं सर, हमारे पीछे एकदम पड़े हुए हैं। क्यों ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी एकदम लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं सर। ये कहते हैं कि ये अगर तुमको आधा मिल जाएगा तो इसमें से आधा हमको दे देना। ये कब्जा करना चाहते हैं? कब्जा करना चाहते हैं सर दबंगई से। हमेशा हमारे घर में आकर के, हम किचन में खाना बना रहे थे, हमारे किचन में घुस करके हमको दबंगई से हमको धमका रहे हैं कि उसको आधा हिस्सा दे दो, नहीं दोगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे आदमी को मार दिया जाएगा, तुमको यहाँ पे रहने नहीं देंगे हम। थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही? थाने पे कोई सुनवाई नहीं है सर, 7 महीना से सर झगड़ा चल रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर। अगर वो सब फोन करते ये जाकर के यहाँ पे दबाव बना देते हैं सर, त्रिलोकी सोनकर थाने में, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है सर। हम लोग को सर हमको न्याय चाहिए सर, जान का खतरा बना हुआ सर, कभी भी हम लोग का जान जा सकता है सर। जो बबलू सोनकर है ठीक है, मुकदमा चलता है सर, उसको हिस्सा चाहिए, वो अपने घर से जा करके लड़े सर, उसको हमारे घर में से निकालने के लिए हमको न्याय चाहिए सर। यहाँ किस क्यों बबलू सोनकर हमको, मम्मी को, भैया को, सबको मारता है, मिलकर हमेशा धमकी देता है कि तुमको गोली चलवा दूंगा। क्यों जमीन लूटने के लिए?